नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 713वां एपिसोड। 12 अगस्त की आज तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल, मिनी आईपीएल, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले लाते हैं, लाइक और शेयर तो आप करते ही भैया हर रोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो और बेल आइकन दबा दो सारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से तो यार देखो, सीधी बात है, सीधी कहानी है कि यार मिनी आईपीएल का बिगुल बज चुका है और जो साउथ अफ्रीकन T20 लीग एक बार फिर प्रूव हो गया है कि ये मिनी आईपीएल रहेगी, जस्ट बिकॉज कि एमआई ने दो नाम जो है ऑफिशियली अब इसको रजिस्टर्ड करा लिया है। मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर ऐलान कर दिया कि यूएई इंटरनेशनल T20 लीग में जो इनकी टीम खेलेगी उसका नाम एमआई एमिरेट्स होगा और जो साउथ अफ्रीकन T20 लीग में इनकी टीम खेलेगी उसका नाम एमआई केप टाउन होगा। मतलब सीधा सीधा एमआई फ्रेंचाइज बन गई है भैया। और पहले कहा जा रहा था कि यार हो सकता है यार केप टाउन अफ्रीकन मुंबई इंडियंस की टीम का नाम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मुंबई इंडियंस से ही नाम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो यार बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी बात है, बड़ी खबर है। कल सवाल पूछ लिया था हमसे योगेश भाई ने क्या सवाल पूछा था उसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप भी अपना सवाल पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिए, कल की वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे देंगे, तो कल हमारी वीडियो का हिस्सा बनने का मौका चूकना नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए। योगेश भाई ने सवाल पूछा था, हु विल बी द सेकंड ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन एशिया कप फॉर इंडिया। यार अगर केएल राहुल, रोहित शर्मा को कॉम्बिनेशन फ्लॉप हो जाता है तो फिर, या फिर नहीं हो पाता है, फिर चोटिल हो जाता है, या फिर कोई भी रीजन हो, तो फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो दोस्तों चांसेस योगेश भाई सबसे ज्यादा क्या है कि केएल ना खेल पाए बिकॉज वो फिटनेस से आ रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सूर्य कुमार यादव या विराट कोहली, इन दोनों में से कोई आकर ही ओपनिंग करेगा। इसके अलावा स्क्वाड में कोई गुंजाइश है नहीं और बीसीसीआई वो गुंजाइश रखना भी नहीं चाहता था। तो सीधी बात है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो सीधी कहानी है कि यार नीचे से फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे और फिर दीपक हुड्डा भी प्लेइंग 11 में प्रोमिनेंट रोल निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो यार फाफ डू प्लेसिस की हो गई है वापसी और ये वापसी हुई है इनकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में सीएसके की जो टीम रहने वाली है मिनी आईपीएल में, जो वहां खेलेगी साउथ अफ्रीकन T20 लीग में, उसका नाम जोबर्ग सुपर किंग्स रहने वाला है। एंड प्लेसिस की वापसी हो जाएगी और फाफ डू प्लेसिस जोबर्ग सुपर किंग्स के कैप्टन रहेंगे। आपको बता दूं कि सीएसके वालों ने आईपीएल में बड़ी गलती कर दी थी, इन्होंने प्लेसिस को बाहर कर दिया था, जड्डू को कप्तान बना दिया था। प्लेसिस बाद में आरसीबी में आ गए, इस साल आरसीबी कप्तान बड़े ही सक्सेसफुल रहे। तो यार जाहिर है ये वो गलती वहां केप टाउन और जोहानिसबर्ग में करेंगे नहीं, और जो मिनी आईपीएल है उसमें चेन्नई की टीम के कप्तान प्लेसेस होंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार हाशिम उस्मान भाई ने कलम से एक सवाल पूछ लिया था, हाशिम भाई ने सवाल पूछा था व्हेन इज आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन कब होगा। इसको लेकर दोस्तों दो तीन तरह की रिपोर्ट्स और वो सारी रिपोर्ट्स कल या परसों की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो हाशिम भाई आपने सवाल पूछा और आपके सवाल का इम्पैक्ट ये हुआ है कि कल आपके ही सवाल पर एक वीडियो आने वाली है। सो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप जो लोग देख रहे हैं नीचे जाइए फटाफट अपना सवाल पूछिए, कल आपके सवाल का जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। अर्जुन तेंदुलकर ने ले लिया है बड़ा फैसला और मुंबई के क्रिकेट में इस फैसले को लेने के बाद थोड़ा सा हाहाकार मचता हुआ नजर आ रहा है। और पांचवी बड़ी खबर इस बात की ओर पूरा संकेत कर रही है कि यार मुंबई की टीम ने इनको बाहर करने की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर अब रणजी क्रिकेट में मुंबई शिफ्ट होकर गोवा की तरफ से खेलेंगे। रिपोर्ट्स आर दैट कि मुंबई की टीम में शायद उनको उतने ज्यादा मौके डोमेस्टिकली नहीं मिल रहे थे जो गोवा में उनको मिल सकते हैं, तो अर्जुन तेंदुलकर गोवा में खेलेंगे। आपको बता दूं कि उस तरह से प्रूव हो नहीं पाए अर्जुन तेंदुलकर जिस तरह की उम्मीद हम सभी जताई थी, और लंबे अरसे से अब तो आईपीएल में भी बिक रहा है बट खेल नहीं पा रहा है, दो साल हो गए मुंबई की टीम खिला नहीं रही है, एंड दैट इज व्हाई शायद गोवा से डोमेस्टिकली प्रदर्शन करने की इनकी कोशिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो सुनील गावस्कर ने कह दी है बड़ी बात, दे दिया है बड़ा बयान, मुंह तोड़ जवाब दिया है एडम गिलक्रिस्ट को। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था आईपीएल के कारण दुनिया क्रिकेट हो रही है बर्बाद, तो गावस्कर कह रहे हैं डोंट इंटरफेयर इन आईपीएल, आईपीएल में इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साफ साफ कह दिया है सुनील गावस्कर ने एडम गिलक्रिस्ट को कि जब आपके देश की क्रिकेट हुआ करती थी, जब आप इंडिया को कुछ समझते नहीं थे एक जमाने में, तब हम लोग चुप थे और आप लोग भी बहुत हरकतें करते थे ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड। आज जब इंडिया की क्रिकेट इतनी बड़ी हो गई है, जब आईपीएल इतना बड़ा हो गया है, तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, और ये बात से मैं तो सहमत हूं। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो यार मुंबई
इंडियंस के प्लेयर्स कंफर्म्ड है, 7 प्लेयर्स MI के कंफर्म है जो कि मिनी IPL का हिस्सा होने वाले हैं और नाम भी आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों पूरी रिपोर्ट्स ये है कि साउथ अफ्रीकन T20 लीग जिसको मिनी IPL भी कहा जा रहा है उसमें प्लेयर्स हर टीम को हमने प्लेयर्स चुनने के लिए कहा था, जिसमें मुंबई इंडियंस केप टाउन की जो टीम थी उसने राशिद खान, कगिसो रबाडा, लियम लिविंगस्टोन, सैम कुरन, डिवाल्ड ब्रेविस, इन 5 को कंफर्म्ड रूम से ले लिया है, ड्राफ्ट आउट किया है। 2 भारत के खिलाड़ी अगर गए तो सूर्य यादव और अर्जुन तेंदुलकर भी जा सकते हैं जो भी मुंबई में खेल रहे हैं, तो इन दोनों के चांसेस है सूर्य के और अर्जुन के। कंफर्म नाम राशिद खान, कगिसो रबाडा, लियम लिविंगस्टोन, सैम कुरन, डिवाल्ड ब्रेविस है। तो भैया बहुत तगड़ी टीम मुंबई इंडियंस की मिनी IPL में तैयार हो रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक रबाडा भी है, दुनिया का सबसे तगड़ा स्पिनर राशिद खान भी है, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर लियम स्टोन और सैम करन भी है, और विस्फोटक एबी डिविलियर्स का छोटा वर्जन डिवाल्ड ब्रेविस भी वहां पर मुंबई के हवाले से खेलेगा। हो सकता है छोटे तेंदुलकर अर्जुन भी वहां चले जाए और सूर्यकुमार यादव जो कि हिंदुस्तान का भविष्य है अगर मिल गई इजाजत तो ये भी जा सकते हैं। तो मुंबई सचमुच बहुत मजबूत है, 5 कंफर्मड है, 2 टेंटेटिव नाम हमने बताए। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि मुंबई इंडियंस ये वाली अच्छी जो IPL में खेल रही है या जो मिनी IPL में खेलेगी वो वाली अच्छी है, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो रोहित शर्मा ने दे दिया है बड़ा बयान, कह दिया बड़ी बात IPL पर। रोहित शर्मा बोल रहे हैं IPL has created the platform for India to have a many captaincy option। IPL ने ही वो प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके चलते भारत के पास बहुत सारे कप्तानी विकल्प मौजूद है। रोहित शर्मा का ये कहना, रोहित शर्मा का मानना बहुत हद तक सही है और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक जमाना होता था भारत के पास कप्तान नहीं होते थे, भारत के पास कैप्टन बहुत कम हुआ करते थे और 1-2 कप्तान के बलबूते ही इंडिया की टीम खेला करती थी। राइट नाउ हार्दिक पांड्या, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, बुमराह भी कप्तानी कर चुके हैं, विराट कोहली, आपके पास कप्तानों की झड़ी लगी हुई है और ये IPL के लिए ही एक लाइक बनाता है, कीजिए अभी तक नहीं किया। आगे बढ़ते भैया 10वीं बड़ी खबर की, फाइनली आखिरी खबर की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है BCCI के हवाले से आ रही है, BCCI चिढ़ चुका है दुनिया भर में हो रही अलग अलग T20 लीग से, UAE इंटरनेशनल T20 लीग हो रही है और मिनी IPL में भी भारतीय खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, और इसको लेकर लगातार बोल रही है IPL टीमें कि भैया मिनी IPL हो रहा है, हमारे को खिलाड़ी ले जाने की इजाजत दो, हमको सूर्यकुमार यादव ले जाना है, हमारे को रोहित शर्मा ले जाना है, हमारे को श्रेयस अय्यर ले जाना है। तो इस पर दोस्तों वेरी कंसर्न रिपोर्ट आई इनसाइड स्पोर्ट्स के हवाले से, BCCI इज वेरी कंसर्न अबाउट IPL टीम ओनर बाइंग फ्रेंचाइज इन द फॉरेन लीग, और वो इस पर एक बड़ी पाबंदी और बंदिशें लगा सकते हैं। लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए इस पर, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इनमें से कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब दे देंगे कल, तो अपना सवाल पूछिए कल आपका जवाब देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।